हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फिर कहूंगा लेक्चर सीक्वेंस में देखना। इंट्रोडक्शन का ही ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। टोटल इंट्रोडक्शन ही टोटल 3 पार्ट में खत्म होगा, जिसके अंदर बहुत सारी बेसिक सी बातें हमें जाननी है और जाननी चाहिए और आनी भी चाहिए, ठीक है ना। उनके अंदर से क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलो स्टार्टिंग के हम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया है तो स्टार्टिंग के हम लोगों ने 5 पॉइंट कवर किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 5 पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, द ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस। ड्रग डेवलप कैसे होता है, कैसा एक ड्रग, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए पैरासिटामोल, कैसे आया होगा मार्केट में ये? क्या ऐसे उठा के किसी ने बना के दे दिया होगा, या उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोसेस रही होगी, क्या रहा होगा, है ना। तो ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग आखिरकार डेवलप कैसे होता है और उसका अप्रूवल कैसे होता है, बात समझ में आ रही है। ड्रग, ठीक है, तो ये सारी कहानी डेवलप कैसे किया जाता है और अप्रूव, अप्रूव का मतलब हमें अप्रूवल चाहिए। मैंने कोई चीज बना तो ली है, ड्रग तैयार तो कर रहा हूं मैं, तो उसको फिर मार्केट में लाने के लिए, लोगों में देने के लिए मेरे को किसका अप्रूवल चाहिए होगा? कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जिनके अप्रूवल के बिना वो ड्रग मार्केट में नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो वो अप्रूवल प्रोसेस क्या है, वो सब बातें समझेंगे यहां पर। तो शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, द अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू ड्रग, स्पेशली ड्रग दैट आर द फर्स्ट इन होली न्यू केमिकल क्लास। खास करके अगर हम बात करें जो अपने केमिकल क्लास में बिल्कुल नहीं है, एकदम न्यू, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर तुम सिंपल भी लिख सकते हो कि अप्रूवल प्रोसेस ऑफ अ न्यू ड्रग, ठीक है ना, स्पेशली ड्रग दैट आर द फर्स्ट इन होली न्यू केमिकल क्लास, ठीक है। इस लाइन को चाहो तो यहां से लेके, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसको यहां से चाहो तो हटा भी सकते हो, हटाओगे ज्यादा, ये बात समझ में आ रही है। मैंने एक बात बताई कि जो नई प्रोसेस होती है ड्रग की अप्रूवल के लिए, और आगे एक लाइन ऐड की है, खास करके अगर कोई ड्रग बिल्कुल नहीं हुए अपने केमिकल क्लास में, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया है ना, एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है कोई ड्रग मार्केट में, मतलब नई ड्रग जो खोजी जाती है और मार्केट में आने तक कम से कम 8-10 साल तक टाइम कई बार लग जाता है। एंड एक्सपेंसिव, काफी महंगी भी होती है प्रोसेस ये, लगभग 100 से $500 मिलियन एक ड्रग पे जो नया केमिकल आता है मार्केट में उसमें लगभग हम लोग देखते थे कि नया केमिकल आ गया, लेकिन उसके पीछे करीब करीब इतना खर्चा कंपनी वाले कर चुके होते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तब ना कहीं जाकर वो ड्रग सेफ होती है, हमें नुकसान नहीं करती है, फायदा करती है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वंस अ न्यू ड्रग इज आइडेंटिफाइड। अब ये तो उसने बात बोल दी जनरल कि ऐसा ऐसा होता है, अब कहानी बताना स्टार्ट हो रही है। वंस अ न्यू ड्रग इज आइडेंटिफाइड, एक बार जब नई ड्रग आइडेंटिफाई कर ली जाएगी, ढूंढ ली जाएगी, उसको टेस्ट किया जाएगा, इट इज टेस्टेड इन प्री क्लिनिकल स्टडी। क्लिनिक, क्लिनिक सबको पता है, सब क्लिनिक जा चुके हैं, क्लिनिक जहां पे डॉक्टर हमको दवाइयां देता है, ठीक है, प्री क्लिनिकल, और उससे पहले, यानी कि दवाई को लोगों में बांटने से पहले, लोगों में देने से पहले कुछ स्टडीज होती है उस दवाई के ऊपर, उसको कहा जाता है प्री, मतलब पहले क्लिनिकल, दवाइयों को क्लिनिक में जाने से पहले, दैट इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल स्टडीज। क्लियर है, शब्दों को बहुत कायदे समझते जाना, यही सारे शब्द आएंगे। इन वाइट्रो सिस्टम, वाइट्रो मतलब पता ही है सब लोगों को, जो आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा होता है, जैसे कि इन वाइट्रो टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जो फेलोपियन ट्यूब में होती है और हम लोग फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जो प्री क्लिनिकल होता है वो वाइट्रो सिस्टम पे और एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ड्रग्स डेट स्टिल लुक बेनिफिशियल। अब ये काम हो गया, प्री क्लिनिकल स्टडी हो गई और उसके बाद भी दिख रहा है कि हाँ ये ड्रग हमारे लिए बेनिफिट है, हमको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। आफ्टर दिस प्री क्लिनिकल स्टडीज, है ना, कोई दवा दिख रही है कि प्री क्लिनिकल स्टडी हो गई उसके ऊपर, अब समझ में आ रहा है कि दवाई अभी भी, अच्छा प्री क्लिनिकल स्टडी में ऐसा हो सकता था जानवर को नुकसान पहुंचाता, इन वाइट्रो सिस्टम में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फेल, मतलब उनमें कामयाब ना होता तो दवाई को हटा देते, हम कहते यार नुकसान करेगी ये, फायदे से ज्यादा नुकसान कर जाएगी। लेकिन जब उसको पास कर लिया, देन एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, IND मार्क करेंगे इसको, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि नई ड्रग का इन्वेस्टिगेशन करना है हमको, है ना, ढूंढ लिए हमने उसको और इन्वेस्टिगेट करना है। आर फाइल्ड विद DRA, DRA आप समझ चुके हो, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी होती है,
फॉर टेस्टिंग इन क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि सीधी सी बात है, अब तक जो चीजें जानवरों पर और लैब में टेस्ट किया जा रहा था, अब ये लोग चाहते हैं कि हम उसको पेशेंट के ऊपर टेस्ट करें, लोगों के ऊपर टेस्ट करें। लोगों के ऊपर कंपनी ऐसे ही टेस्ट नहीं कर सकती, अप्रूवल लेना पड़ता है, और उसी अप्रूवल का नाम क्या है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ये एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, DRA अप्रूवल दे देगी, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हेल्दी पीपल के ऊपर, जो पीपल हेल्दी हैं। रिएक्शन देखी जाती है कि जनरली अगर नॉर्मली मान लो बुखार नहीं भी है और तुम पैरासिटामोल खा लो तो कोई इफेक्ट आता है क्या उसका, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर नॉर्मल खा रहे हो तो मान लो थोड़ी सी टैबलेट खा ली तुमने गलती से, या एक टैबलेट गलती से खा ली और ठीक हो, तो थोड़ी बहुत हो सकता है शरीर में गर्मी सी लग जाए, लेकिन कोई वैसा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर हेल्दी पीपल पे, जब हेल्दी पीपल पे किया जाएगा तो उसे फेज 0 और फेज 1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड देन इन पीपल विद द टारगेट डिजीज, उसके बाद डिजीज जिन लोगों में डिजीज है उनके ऊपर इसको ट्राई किया जाएगा, फेज 2 एंड फेज 3। तो ये दो फेज हैं, इनमें ट्राई किया जाता है कि हेल्दी पीपल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा और डिजीज वालों के ऊपर किस तरह से डिजीज को ठीक करेगी। तो ये आ गया इसका सिस्टम, है ना। इसमें क्या था, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होती है, ध्यान रखना। आगे आते हैं, इन फेज 0 जो 0 वाली फेज है, अ वेरी लो डोज, बहुत ही कम मात्रा की डोज ऑफ द ड्रग इज टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बहुत ही कम मात्रा में एक डोज को दिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर। इस बार जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, ह्यूमन होगा। 10-15 सब्जेक्ट, यहां पर जनरली कितने होते हैं, 10-15 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 10-15 इंसानों को लिया जाएगा और उनके ऊपर क्या किया जाता है, टेस्ट करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द फार्माकोजेनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, है ना। जेनेटिक मतलब फार्माकोजेनेटिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंसान की जो जेनेटिक बनावट है उसकी वजह से ड्रग का क्या इफेक्ट है या उसके ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक है ना, ड्रग बॉडी पे क्या असर कर रही है, जो उसकी जो प्रॉपर्टी बात कर ले, चाहे जेनेटिक कर ले चाहे फार्माकोडायनेमिक कर ले, कहीं ना कहीं बात एक ही आ जाती है कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या असर कर रही है। और डिसीजन इन टेकन, इन दोनों को हम लोग एनालाइज करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर, और फिर एक डिसीजन लेते हैं डैट वेदर टू स्टार्ट फेज 1 और नॉट, क्या अब हमको 0 फेज से फेज 1 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्लियर है, देख रहे हो कितनी जटिल प्रोसेस होती है ये, ऐसी नहीं कोई दवाई मेडिसिन में आ जाती है। अब ये सब चीज़ देखो, फार्मेसी की स्टूडेंट हो, ये बातें जर्नल है ना, जर्नल फार्माकोलॉजी के अंदर ये सब पता होना चाहिए। कोई पूछ लेगा भैया दवाई बताओ, दवाइयाँ कैसे आती मार्केट में, ठीक है, पता होना चाहिए ये सब। दीज क्लिनिकल ट्रायल एसेस सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इन ह्यूमन बींग्स, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, इससे क्या सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इन ह्यूमन बींग, दवाई की सेफ्टी के बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है और ह्यूमंस के ऊपर कितना इफेक्टिव है वो सब बातें हमें यहां पर पता चलती हैं। क्लियर है, आगे आते हैं। इफ द ड्रग पासेस 3 फेजेस, अब यहां पे 3 फेज मतलब 0-1, जो ये 1-2 और 3 है ना, फेज 0-1, 2 एंड 3, तो थर्ड फेज के बाद तो उसको 3 फेज कहा दिया गया है। इफ द ड्रग पासेस 3 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल द मैन्युफैक्चरर, अब ये तीनों फेज पार कर लिए ड्रग ने, अब मैन्युफैक्चरर जो दवा कंपनी है उस दवा को मार्केट में लाना चाहते हैं कि यार भैया अब तो सब क्लियर हो गया, अब इसको मार्केट में लाके हमने जो खर्चा कर लिया उतना सारा उसको हमें कमाना भी है। कमाना तो एक अलग बात है, साथ साथ में उससे लोगों को फायदा भी होगा। तो वो अब एक एप्लीकेशन फाइल करती है फॉर अप्रूवल ऑफ NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। फिर से एक और एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है मार्केट में दवा को लाने के लिए, पहले ट्रायल करने के लिए, फिर मार्केट में लाने के लिए दूसरी एप्लीकेशन फाइल करी, उसका नाम क्या था, NDA फ्रॉम DRA। इसकी अथॉरिटी भी कौन देगा, इसकी भी परमिशन कौन देता है, DRA देता है टू मार्केट द ड्रग, कि ड्रग को हम मार्केट करना चाहते हैं, मार्केट में लाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ठीक है। कहानी यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, दवाई मार्केट में आ गई, क्या अब काम खत्म हो गया, नहीं है ना। कई बार दवाइयों के इफेक्ट मान लो 5-6 साल के अंदर पूरी प्रोसेस तैयार हो गई, दवाई मार्केट में आ गई, दवाइयों के असर कई बार 20-20 साल के बाद समझ में आते हैं कि अरे इसके तो बड़े साइड इफेक्ट हैं, और बहुत सी दवाइयां फिर बैन कर दी जाती हैं, बहुत सी दवाइयां कई कंट्रीज में बैन कर दी गई हैं, पता होगा तुमको ये सब बातें, है ना। तो वो क्या होता है, अगली लाइन में यही बोला जा रहा है, आफ्टर अप्रूवल टू मार्केट, मार्केट के लिए अप्रूवल हो गया, परमिशन मिल गया भाई जाओ बेचो मार्केट में ड्रग को, द मैन्युफैक्चरर एंड द DRA, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने दवाई बनाई है और ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी है, कंटिन्यू लगातार पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, मार्केट में आ गई उसके बाद लगातार उस दवा पे नजर रखे है, इस दवा के कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं इस दवा को जो डॉक्टर दे रहे हैं उसके बाद पेशेंट्स बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं,
कि ये दवा खाने के बाद कुछ ऐसा हो जा रहा है, कुछ वैसा हो जा रहा है, तो सर्विलेंस एक नजर रखती है उसके ऊपर, ठीक है, और यही कहलाती है फेज फोर। तो फेज फोर यानी कि हमारा चीज कहां आ गई है, मार्केट में आ गई है, ठीक है। और ये किसके ऊपर होती है, रियल लाइफ पेशेंट, जो वाकई में पेशेंट है, बीमार है, उनके ऊपर होता है। अंडर डाइवर्स कंडीशंस फॉर अर्ली डिटेक्शन, क्यों हो रहा है ये कि अंडर क्या बोल रहा है, अंडर डाइवर्स कंडीशन, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है, पेशेंट दवाई तो मार्केट में आ गई, अब इंडिया में ही ले लो, एक पेशेंट कश्मीर में है, ठंडा इलाका, एक लद्दाख में है, एक राजस्थान में है, एक साउथ में है, तो कंडीशन सारी अलग अलग हैं, पेशेंट सारे मतलब जो उनका जेनेटिक पैटर्न भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफर कर जाता है। तो अब क्या है कि सारी कंडीशंस कैसी हैं पेशेंट की, पेशेंट की कंडीशन कैसी डाइवर्स है, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। तो इसलिए वो क्यों नजर रखे हुए है कि ऐसा तो नहीं कोई टॉक्सिक नेचर अब दवा का कहीं सामने आ जाए, ठीक है ना, जो अब तक 5-6 साल से ट्रायल चल रहे थे उसमें नहीं आया, कहीं अब आ जाए। डेट ऑकर रेयरली इनफ, वो बहुत ही कम ज्यादा कदा ही ऐसा होता है, विच एस्केप्स डिटेक्शन इन द क्लिनिकल ट्रायल। और वो टॉक्सिसिटी ऐसी होती है जो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान सामने नहीं आ पाती है, समझ में नहीं आती है, 4-5 साल से हम ट्रायल तो कर रहे थे लेकिन उसके इफेक्ट को आने के लिए एक इंसान के अंदर करीब करीब 6-7 साल का, 8 साल का टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से जो दवाई होती है जो कई बार उनकी टॉक्सिसिटी समझ में नहीं आती, और अगर ऐसा होता है कि टॉक्सिक नेचर सामने दिख जाता है तो उस दवा को फटाफट मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये तो थी हमारे पास क्या प्रोसेस, सारी ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस। अब आप समझे इसको क्या कहते हैं, किसके थ्रू, एक चार्ट है छोटा सा, ठीक है, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल फेजेस ऑफ ड्रग एवोल्यूशन। इन वाइट्रो स्टडी मैंने बताया था लैब में चलेंगी अपने पास, एनिमल स्टडी उसके पास एनिमल के ऊपर, एनिमल के बाद ह्यूमन सेफ्टी, फिर एक्सपेंडेड सेफ्टी, एफिकेसी उसकी क्षमता और सेफ्टी, एंड देन लॉन्ग टर्म, ये आ गया फेज फोर, लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन रियल लाइफ पेशेंट। तो स्टेप देख लो क्या है, इन वाइट्रो से एनिमल, एनिमल पे ह्यूमन सेफ्टी, एक्सपेंड, एक्सपेंडेड मतलब कोई चीज बढ़ा दी जाती है, सेफ्टी को बढ़ा दी जाती है, एफिकेसी एंड सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। प्री क्लिनिकल फेज वन फेज टू, प्री क्लिनिकल कह लो यहां पर, ठीक है, फेज वन फेज टू फेज थ्री एंड फेज फोर, किस फेज में क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लीड कंपाउंड जो मेन कंपाउंड होता है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फेज वन में क्या रहेगा, प्री क्लिनिकल लीड, जो लीड मतलब मेन कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फेज वन में एनिमल स्टडी में 20 से 40 हेल्दी पार्टिसिपेंट्स, 20 से 40 पार्टिसिपेंट लिए जाते हैं। फेज टू में 20 से 40 हेल्दी पेशेंट लिए जाते हैं, यहां पर हेल्दी पार्टिसिपेंट, यहां पेशेंट नहीं है, यहां पेशेंट है। फिर यहां फेज थ्री में क्या है, 100 से 3000 लिए जाएंगे। अब थोड़ा सा बढ़ा के देखा गया कि अब ये तो 20-40 थे ना, हो सकता है उनमें इफेक्ट ना, कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हो। एफिकेसी एंड सेफ्टी, अब और संख्या बढ़ा दी जाती है, 1000 से 3000 कर दी गई, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में थाउजेंड्स ऑफ डाइवर्स पेशेंट है ना, वो मार्केट में दवा आ गई है उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, ठीक है। ये तो चलता रहता है अपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यला फेज टू है कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक की कहानी होती है, हफ्तों से महीनों की कहानी होती है, सेवरल मंथ और ईयर तक चलता है। कंटिन्यू मार्केटिंग अप्रूवल, ये मार्केट अप्रूवल हो गया उसके बाद भी कहानी चल रही है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी वाली प्रोसेस चल रही है, ठीक है। प्री क्लिनिकल क्या हो गया, ड्रग की डिस्कवरी हुई है, एफिकेसी सिलेक्टिविटी मैकेनिज्म आइडेंटिफाइड, ये तीन चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाइड होती है, उसकी क्षमता एफिकेसी क्या है, क्या इफेक्ट करेगी, सिलेक्टिविटी मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म, और आइडेंटिफाई किया जाएगा। अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इफेक्ट में अपियर, यहाँ पर हम लोग क्या चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं है, कोई खराब, कोई टॉक्सिक तो नहीं आ रहा उसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, एक्सपेक्टेड सेफ्टी में, सेफ्टी एंड डोजिंग इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेफ्टी को और डोज डिसाइड की जाती है कि कितनी डोज देने पे सेफ रहेगा। जैसे है ना, देखा होगा पैरासीटामोल 250-500 आती हैं दिन में, मैक्सिमम दिन में सुबह दोपहर शाम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कॉमन एडवर्स इफेक्ट रिवील, रिवील मतलब कोई चीज़ खुल जाना, कोई जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सामने आ जाते हैं। रेयर एडवर्स इफेक्ट जो बहुत ही यदा कदा करोड़ों में किसी एक आध को होता है, वो इफेक्ट यहाँ पे दिख जाता है जब वो मार्केट में आ चुकी है, वो तो तभी पता चलती है जब मार्केट में आ चुकी होती है, ठीक है। तो ईयर की बात करें, लगभग 2 साल प्रोसेस है, ये 4 साल की प्रोसेस है, एवरेज ड्यूरेशन इन ईयर 8 से 9 साल है। अब देखो जरा, अब कहीं जा करके जो मेरे पास ये था, बात तुम लोगों को समझ में आ रही होगी, एफिकेसी एंड सेफ्टी फेज फोर, फेज थर्ड तक की बात करें, अगर उन्होंने 2 और 4 6 लगभग 6 से 7 साल नॉर्मल एक दवाई को मार्केट में नई दवाई को आने के लिए, ठीक है ना, और 8 से 9 साल, ठीक है ना, उसके बाद 15 साल
ये जो सेफ्टी है जो आफ्टर, उसके बाद 15 साल तक नजर रखी जाती है एक दवा जब मार्केट में आ जाती है। ये 8-9 साल इधर हो गए, यानी कि टोटल काउंट कर लें 2, 4, 6 और 6 और 9 लगभग 15, 30 सालों तक नजर रखी जाती है एक तरह से दवाई के ऊपर, समझ रहे हो। और वो छोड़ दो, सेफ्टी के लिए हमें कम से कम 8 से 9 साल चाहिए, ठीक है ना। जो अभी बड़ा बवाल हुआ था बीच में कोरोना की मेडिसिन के ऊपर, शायद तुम लोगों को पता होगा, वो यही था एक्चुअली, रियल प्रोसेस ये है। और कोरोना की मेडिसिन मात्र कुछ ही महीनों के अंदर बन करके तैयार हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी उसके ऊपर वो हुआ था, ठीक है। खैर, तो रियल प्रोसेस ये है, और इस प्रोसेस हटकर कोई चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है लोग किसी की भी क्षमता पर इफेक्ट सवाल उठा सकते हैं, ठीक है ना। अब दवाई हमारी बन गई है, किसी कंपनी ने पूरी प्रोसेस की है, ठीक है, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया है, ठीक है। तो अब कंपनी क्या चाहेगी, कमाना चाहेगी। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा पेटेंट प्रोसेस, कहानी समझते जाना। पेटेंट, पेटेंट मतलब उसके ऊपर अधिकार कर लिया, ये दवा सिर्फ हम बनाएंगे, उसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा। बात समझ में आई, ये दवा सिर्फ हम बनाएंगे, उसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा। ऐसे तो अब तुम लोग कहोगे सर मोनोपोली हो जाएगी, वो तो मनमानी करेगा, नहीं, उसके लिए डीआरए बैठा है। डीआरए बैठा हुआ है कि भाई तुम ठीक है कर लो अपना, वो निकाल लो, लेकिन हम एक वो करेंगे, ये नहीं कि तुमने चीज़ तो ठीक है, जैसे पैरासीटामोल आज के टाइम पे 15 रुपए की 15 गोलियां आती हैं, अब ये नहीं कि तुम उसको 150 रुपए उसका प्राइस कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा करोगे। तो इसीलिए पेटेंट जो है 20 साल के लिए दिया जाता है, कि 20 साल में आप अपना पूरा इनकम मतलब सब कुछ निकाल ले जाओगे, ठीक है। अब उस 20 साल में 2-3 फायदे हो जाते हैं, एक तो 20 साल तक वो कंपनी खुद बेचेगी उसे, रेट कम रहते हैं, 20 साल तक कंपनी अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर देती है ना, जैसे कि सुना होगा तुमने कालपोल, डोलो, ये ब्रांड हो गया, लोगों के जुबान पे चढ़े हुए हैं। कोई और दवा लेने जाओ, आदमी कहता नहीं भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, तो वो भी कंपनी का फायदा आगे जा करके, ठीक है ना। तो पेटेंट, पेटेंट क्या हो गया, कोई दवा जो अब कंपनी ने बना ली है उसको वो अपने नाम से ही रखना चाहती है, किसी और को बनाने की अनुमति नहीं देती है, और अगर कोई दूसरा बनाएगा तो कंपनी की परमिशन लेगा, तो कंपनी उससे फिर मोटा मुआवजा लेती है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, अ कंपनी यूजली आमतौर पर पेटेंट, पेटेंट मतलब पेटेंट समझते हो ना, पूरी प्रोसेस होती है कि ये चीज़ हमने बनाई है तो इसको हम ही करेंगे, हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, उसको पेटेंट कहते हैं। नोवल या न्यू, ध्यान रखना ये वर्ड नोवल, नोवल या न्यू केमिकल सब्सटेंस, जो नया केमिकल सब्सटेंस उसने खोज लिया है उसको पेटेंट करा लेती है। अर्ली इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, जब वो लगभग यहाँ से निकल आती है, है ना, इस वाले फेज से निकल के यहाँ आती है, तुरंत पेटेंट करा लेती है कि यार अब करा लो, हो सकता है कोई और भी खोज रहा हो, ठीक है। यूजली पेटेंट प्रोवाइड 20 ईयर ऑफ प्रोटेक्शन, लगभग 20 साल के लिए होता है मिनिमम, इंक्लूडिंग द टाइम फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन टू NDA मार्केटिंग अप्रूवल, ठीक है ना। पेटेंट एप्लीकेशन का जब फाइल वो दिया जाता है, वहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट हो जाता है इसका, और लगभग ये कितना रहता है, 20 साल के लिए रहता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो देखो, ड्रग को मार्केट में आने के लिए बड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि उठाया और बस चले आए, और ये सब बातें पता होनी चाहिए तुम लोगों को, अगर ये सब बातें नहीं पता हैं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, तुम्हारे उस पर सवाल निशान उठ सकता है कि तुमने कैसी पढ़ाई करी है। चलो खैर, मेरी बातों से काफ़ी सारी चीज़ें याद हो रही होंगी, बढ़िया है, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट, जैसी पेटेंट एक्सपायर कर जाएगा, एक्सपायर करने का मतलब है पेटेंट का टाइम खत्म, डेट इज 20 ईयर आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइल करने, जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल की जाती है वहां से टाइम काउंट करना स्टार्ट हो जाता है। कंपनीज अदर देन द ओरिजिनल पेटेंट होल्डर, जो पेटेंट होल्डर नहीं है कंपनीज, वो कंपनियां भी सेल अ जेनरिक ड्रग, अब इसको कहा जाता है जेनरिक। देखो, पैरासीटामोल बुखार के लिए है, किसी कंपनी ने इसको एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, अब दूसरी कंपनी को क्या करना है, केवल वो केमिकल लेके आना, मार्क कहीं से मिल जाएगा केमिकल, है ना, जो कंपनी जो केमिकल सप्लाई करती है उसको लेकर के बस बना देनी टैबलेट, आ गई मार्केट में, उसका कोई खर्चा हुआ रिसर्च से लेकर कहीं किसी और चीज़ में खर्चा हुआ नहीं हुआ, तो क्या वो कंपनी क्या वो दवाई उसको बहुत सस्ती पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, तो इसीलिए उसका नाम क्या दे देगा, जेनरिक, लेकिन चीज़ पैरासीटामोल होगी। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो पेटेंट और जेनरिक मेडिसिन होती है उनमें जो उनका इफेक्ट होगा, थेरापेटिक इफेक्ट होगा, वो सेम होता है, बस केवल क्या है बनाने का तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत जैसे कि बाइंडर्स वगैरह हैं या जो उसके एक्सीपिएंट्स हैं जो उसके अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाती हैं, प्रिजर्वेटिव वगैरह, वो सब कलर वगैरह है, साइज शेप वगैरह, वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाद बाकी चीज़ें जो मेन केमिकल का सब्सटेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैन सेल अ जेनरिक ड्रग, यानी कि जैसे 20 साल पूरे हुए दूसरी कंपनी आएगी और अब उस ड्रग को बनाएगी तो वो जेनरिक कहलाएगा,
उसको बेच सकती है, विच इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्रोप्रायटरी ड्रग। जो प्रॉपर्टी ड्रग थी हमारी, प्रॉपर्टी उन्होंने बताया था, मतलब जिसके ऊपर उसने कानूनी अधिकार था, जिसके ऊपर पहले, बिल्कुल वैसी होती है विदाउट पेइंग लाइसेंस फी टू द ओरिजिनल पेटेंट ओनर। अब इसको ये जो कंपनी है दूसरी वाली जो बनाना चाहती है, उसको जो पेटेंट होल्डर कंपनी जिसके पास पेटेंट था उसको कोई भी मुआवजा देने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। हाउएवर आ ट्रेड नेम फॉर द ड्रग, अब ट्रेड नेम की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, जिन लोगों को नहीं पता लेक्चर पहले वाला देखें। ट्रेड नेम मतलब मैंने बताया जो नाम होता है, जैसे कालपोल एक ट्रेड नेम है। ड्रग्स प्रॉपर्टी नेम मे बी लीगली प्रोटेक्टेड इनडेफिनेटली। अब शुरुआत में उस कंपनी ने जिस नाम से, जैसे पैरासिटामोल तो हो गया एक मेन कंपाउंड का नाम, पता है ये क्या होता है, ये इंटरनेशनल जो नाम होता है सबको कॉमन नाम दे दिया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम होता है या ट्रेड नेम होता है, ठीक है। जो ट्रेड नेम हो गया कंपनी का उसको कोई नहीं ले सकता, वो पूरा जीवन काल तक जब तक वो कंपनी है तब तक वो नाम उस कंपनी का रहेगा और उसको कोई ले नहीं सकता। लेगा कोई दूसरा उस बंदे को, उसको नाम को, तो उस कंपनी के ऊपर वो केस कर सकती है, उसका नाम नहीं लेगा वो, है ना। जैसे पैरासिटामोल के लिए क्या है, कालपोल है, तो कालपोल जिस कंपनी का है वो कालपोल ही, वही कंपनी इस्तेमाल कर सकती, कालपोल कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तो ठीक है आगे आते हैं। The process for approval by the DRA of a generic drug is much. अब generic drug को DRA से approve कराना बहुत आसान है, क्यों, paracetamol पहले approve हो चुका था, उस कंपनी ने कर चुका है। अब केवल क्या है, जो दूसरी कंपनी है उसको क्या करना है, less cumbersome, मतलब बहुत कम जटिल होती है। केवल जो कंपनी ये ड्रग को बनाना चाहती है उसको केवल क्या करना है, अपने कंपनी को दिखाना कि हाँ हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारी चीजें हैं, सारी चीजें ओके हैं, आके इंस्पेक्ट कर लो, हमको बस बनाना है चीजें, हो गया काम इतने में, है ना। महीने भर के अंदर वो ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फाइल करके अप्रूवल ले लेती हैं, ठीक है, खर्चा भी कम आता है। देन द प्रोसेस फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, जो नए ड्रग के कंपैरिजन की बात करें तो जो ये वाला ड्रग होता है जेनरिक ड्रग के लिए जो खर्चा होता है काफी कम आता है अप्रूवल के लिए। बेसिकली जेनरिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जस्ट नीड टू डॉक्यूमेंट दैट देयर ड्रग हैज द सेम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एज द इनोवेटर प्रोप्राइटरी ड्रग। उसको केवल इतना दिखाना होता है, दिखाना क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होता है, बाद में टेस्टिंग भी होती है कि हम जो अब दवा बनाएंगे वो बिल्कुल वैसी होंगी, उसका सारा इफेक्ट सब कुछ सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है ना, सेम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास दो टॉपिक, मतलब टॉपिक के अंदर पेटेंट और जेनरिक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा जिन लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को क्लासिफाई भी किया गया है, तो यहां पर जो मेन क्लासिफिकेशन है, हम लोग वाला क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे कि जैसे कर देते ना एक लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन, यहां पर जो क्लासिफिकेशन रहेगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास, तो आप समझते हैं पहले। एक क्लासिफिकेशन किया जाता है और ड्रग में भी क्लासिफाइड बाय द केमिकल स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके अंदर मेन खास इंग्रेडिएंट्स, ये सारे वर्ड्स हैं बेटा, कुछ ऐसे चीजें हैं जो अब तुमको लर्न करनी पड़ेगी, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं इनके शब्द हिंदी में समझ लो, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मेन केमिकल होगा, और अकॉर्डिंग टू इट्स थेरेप्यूटिक यूज, या उसका मेन इफेक्ट क्या है, वो किस चीज में काम आ रही है, उसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। ईच ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इंटू वन और मोर ड्रग क्लासेस, एक या एक से ज्यादा क्लास में आ सकती है ड्रग, जैसे कि लग्जेटिव हो सकती है कुछ, आप जानते हो, एनाल्जेसिक, पेन किलर, डिकंजेस्टेंट, रिलैक्सेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, और या तो एक पर्टिकुलर एक डिजीज का काम हो गया, या हम कह सकते हैं सिस्टम ड्रग्स अफेक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिस्टम ड्रग्स पूरे पूरे सिस्टम पे अफेक्ट डाल रही है, पूरे पूरे हार्ट पे अफेक्ट डाल रही है, पूरा पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पूरा ना जो पेट वाला सिस्टम है उस पर असर डाल रहा है, पूरा पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे अफेक्ट डाल रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के आधार पे हम लोग इस तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमने थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर में हमने सीखा था। अब जो तुमको इस सेकंड ईयर के पर्पस से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्रिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर दवाई लिख रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है ना, जो डॉक्टर दवाई लिखता है उसे कहते हैं प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी, कोई भी दवा उठाना उसके ऊपर कुछ बातें लिखी रहती हैं, या तो लिखा रहेगा शेड्यूल एक्स, है ना, या लिखा रहेगा उसके ऊपर शेड्यूल एच, या लिखा रहेगा उसके ऊपर, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, शेड्यूल एच वन, है ना, और एक लास्ट में आती है हमारे पास ओटीसी। ओटीसी के बारे में थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, तो अभी समझेंगे इनको बारी बारी से क्या है ये सब चीजें, तो आओ देखते हैं। तो
प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो कह रहा है अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर डॉक्टर जो दवाइयां लिखेगा उसके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ड्रग्स। अच्छा, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसमें किसके ऊपर ड्रग्स, वो प्रिस्क्रिप्शन किस आधार पर है? डॉक्टर जो दवाई लिखता है तो ड्रग की क्षमता, कोई ड्रग बहुत पावरफुल है तो दिन में एक ही बार खानी है ना, कोई दवा नशा करती है तो रात को सोते वक्त दे देगा, वो दिन में नहीं देगा ना, दिन में नहीं आएगी, है ना। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बेस्ड होता है ऑन ड्रग्स पोटेंशियल और फॉर एडिक्शन एंड सब्सिक्वेंट अब्यूज, ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ऐसा लिखता है, मान लो कोई दवा नींद वाली है या नशे वाली है, ठीक है, दिमाग शांत करना चाहता है, अगर वो रैंडम लिख देगा दवाई कि हाँ भैया खा लो तो दिन भर वो नशे में रहेगा, ठीक है ना। और ये रियलिटी है, जिनकी दिमाग का इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है, जब उनकी दवाइयाँ हटाई जाती हैं, मतलब अब बंद करनी है, डॉक्टर एकदम बंद नहीं करते। जो दवाइयाँ रोज खा रही थे या दिन में दो बार खा रहे थे उनको फिर दिन में एक बार करेगा, फिर एक दिन या दो दिन छोड़ के करेगा, जिससे कि क्या है, अगर एकदम छोड़ेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आना स्टार्ट होते हैं ना, जैसे नशा जैसा, क्योंकि अब उसके हम महीनों से खा रहे हैं तो हमें एक नशे की लत सी लग जाती है, ये रियलिटी है। तो डॉक्टर के हिसाब से चलोगे अगर तो दवा खाते खाते भी रहोगे, धीरे धीरे दवा छूट भी जाएगी और तुमको एहसास भी नहीं होगा कि हमें कोई नशे की लत लगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो वही सब सारी चीज़ें हैं, एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, या उसके बाद ऐसा हो सकता है कि अरे यार ये दवा खाते थे बड़ा अच्छा लगता था, ठीक तो हो गए, ये दवा खाते थे बड़ा अच्छा लगता था, अब पता वो दवा हम खा रहे हैं, है ना। सिरप बैन हुआ है कोडीन, कोडीन का सारा सारा फॉर्मुलेशन बदल दिया गया, पता होगा तुम लोगों को, कोडीन लोग नशे के लिए पी लिया करते थे, है ना। एक टैबलेट आती थी पहले, उसका भी पूरा फॉर्मुलेशन चेंज कर दिया गया, एक ब्लू कलर का कैप्सूल आता था उसको भी पूरा चेंज कर दिया गया, क्यों, लोगों ने उसको गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, पेट दर्द के लिए था वो, शायद स्पास में प्रोक्सिकॉन करके था वो, जो लोगों का मेडिकल स्टोर है वो लोग समझ रहे होंगे इस बात को, तो ये गलत है ये, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, तो रेगुलेशन जो अथॉरिटीज होती है उनको टाइम टाइम पे एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो आओ आगे देखें, तो इन इंडिया मेडिसिन फॉल्स इनटू फोर कैटेगरी, चार कैटेगरी में आती है इंडिया के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन कंट्रोल्ड ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन POM, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनको सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे तो उनको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। और साथ साथ में कंट्रोल ड्रग है, इनको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ड्रग्स को हम लोग कहते हैं शेड्यूल एक्स, लिखा रहता है बाकायदा, देखना इस बार पत्ता उठाना पीछे का, उसके ऊपर एक कई बार लिखा रहता है शेड्यूल एक्स, एक रेड कॉलम बना रहेगा उसमें लिखा रहता है शेड्यूल एक्स शेड्यूल एक्स। अब देखो क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन मस्ट बी प्रिस्क्राइब बाय द पर्संस डॉक्टर और डेंटिस्ट, है ना। पर्संस डॉक्टर लिख दो या केवल ये लिख दो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना, या सिंपल लिख दो ये जो मेडिसिन है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई और प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, POM, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट एंड कैन कॉज सीरियस एडिक्शन इफ मिसयूज्ड, इनके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं और एडिक्शन हो सकता है अगर मिसयूज किया गया तो इसकी लत लग सकती है, कोई नशीली चीज नशीली दवा हो सकती है तो उसकी लत लग सकती है कि लोग खा रहे हैं नशा कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड ड्रग्स आर द मोस्ट सीरियस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है इस ड्रग को, खतरनाक इन द सेंस क्यों है, क्योंकि ये लत लग जाती है इनकी, इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। वेल्स हैविंग इफेक्ट सिमिलर टू प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, इसके सारा जो है इफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन की तरह होते हैं। दीज ड्रग्स हैव बीन स्पेशली लिस्टेड एज अ कंट्रोल ड्रग अंडर द मिसयूज ऑफ ड्रग एक्ट 1971, इनको क्या है खास करके मिसयूज ऑफ ड्रग एक्ट 1971, ये पढ़ेंगे हम लोग तुम्हारे फार्मेसी लॉ में, ठीक है, उसके अंदर इन ड्रग्स को डाला गया है, क्योंकि ये ड्रग्स कुछ ऐसी हैं जैसे मैं नशीली चीजें होती हैं जैसे कि अपनी नींद की दवाइयां वगैरह हैं, इनको इनके अंदर डाल दिया गया है। दीज मेडिसिन ऑल्सो रिक्वायर अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर डेंटिस्ट, इनको भी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लिया जाएगा। दे हैव सर्टन रेस्ट्रिक्शन एज टू हाउ दे आर डिस्पेंस्ड स्टोर, इनके ऊपर कुछ बाउंडेशन होती हैं, ठीक है, खास तरह की कि कितनी दी जाएगी, कैसे स्टोर किया जाएगा और कैसे लिया जाएगा इसको, क्लियर है। कंट्रोल ड्रग्स आर ऑल मार्क्ड विद POM एंड CD, या तो इसके ऊपर ये लिखा रहेगा दवाइयों के ऊपर पत्तों के ऊपर, ठीक है, बट ये थोड़ा सा क्या होता है बड़ा वर्ड हो जाता है इसके ऊपर, या फिर लिखा जाता है शेड्यूल एक्स ऑन द पैकेजिंग, उसके पैकेट के ऊपर क्या लिख दिया जाएगा शेड्यूल एक्स। तो अब से कोई भी मेडिसिन का पत्ता हो घर जाना, घर पे ही हो गए हो सकता है लेक्चर देख रहे हो तो, तुरंत जाओ घर में मम्मी पापा दादा दादी कोई मेडिसिन खा रहे हैं फटाक से आगे जाके सारे सारे मेडिसिन पलटो जाके और देखो किसके पीछे शेड्यूल एक्स लिखा हुआ है किसके पीछे शेड्यूल एच लिखा हुआ है, चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी तुम लोगों को, क्लियर है। नाउ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन
ठीक है, ये कंट्रोल नहीं है, केवल इनको शेड्यूल एच में आ गई है, इनको कंट्रोल नहीं, क्योंकि इनकी लत नहीं लगेगी, बट मिसयूज होने से डैमेज हो जाता है, जैसे कि पैरासिटामोल है, अगर ज़्यादा खाली तो लीवर डैमेज हो जाता है ना। तो प्रिस्क्राइब तो करेगा डॉक्टर ही, लेकिन इससे क्या है, लत लगने की संभावनाएं कम है, ठीक है, या ना के बराबर है। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन मस्ट बी प्रिस्क्राइब बाय द पर्सन डॉक्टर और डेंटिस्ट, वही लाइन ऊपर वाली। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट एंड कैन कॉज सीरियस एडिक्शन इफ मिसयूज्ड, ठीक है, इनके भी एडिक्शन हो सकता है अगर मिसयूज करेंगे तो। कंट्रोल ड्रग्स आर ऑल मार्क्ड विद POM और शेड्यूल एच ऑन द पैकेजिंग। कंट्रोल ड्रग्स यहां पे हमें लग रहा है ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये लाइन कंट्रोल ड्रग्स नहीं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो कंट्रोल ड्रग्स के लिए, तो यहाँ पे मार्क्ड विद POM एंड CD था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन जो रहेंगी वो मार्क रहती हैं कैसे, POM से और शेड्यूल एच और द एच ऑन द पैकेजिंग, ठीक है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन होती हैं, तो ये काट देंगे यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट किया गया है तो वो रह गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन जो होती है उनके ऊपर या तो POM लिखा रहता है और क्या लिखा रहेगा, या फिर शेड्यूल एच लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, शेड्यूल एच लिखा रहेगा, क्लियर है। आगे आते हैं, नाउ प्रिस्क्रिप्शन ओनली रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन, अब एक नया टर्म आ गया रेस्ट्रिक्टेड, इसको हम लोग शेड्यूल H1 इन इंडिया में शेड्यूल H1 कहते हैं। शेड्यूल H1 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द गैजेट नोटिफिकेशन, अब ये क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, गैजेट एक नोटिफिकेशन आया था GSR 588E डेटेड 38/2013 में आया था, टू चेक, क्यों लाया गया इस गैजेट, पहले तो बात समझते हैं कि शेड्यूल H1 को क्यों लाया गया। इसको लाया गया टू चेक, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज है ना ऑफ एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरक्लोर एंड सम अदर ड्रग्स इन द कंट्री, है ना। कंट्री में क्या है, आजकल बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जैसे वायरल, कई सारे वायरल वो ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर भर भर के एंटीबायोटिक दे रहे हैं, खाओ, एंटीबायोटिक का मिक्सचर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एंटीबायोटिक का मिसयूज होने से क्या होता है कि ड्रग का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, यानी कि दवा खाते रहो तो कुछ टाइम का जो बैक्टीरिया वायरस होता है या बैक्टीरिया है उसके ऊपर उस दवा का असर होना खत्म हो जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक का मिसयूज कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग, कुछ लोग, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोग डॉक्टर्स लोग, या जिन लोगों के पास पूरी फुल नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है तो उनकी वो लोग कई बार मिसयूज कर जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये शेड्यूल H1 लाया गया, ठीक है ना। शेड्यूल द शेड्यूल कंटेन सर्टन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक, इसके अंदर कुछ खास थर्ड और फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक रखी गई, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स एंड एंटी टीबी ड्रग्स, ठीक है ना। ये कुछ ड्रग्स ऐसी थी जो हैबिट फॉर्मिंग है और एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स को इसके अंदर रखा गया है। एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दीज ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड इन द कंट्री विद द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन के साथ ही इसको बेचोगे, अदरवाइज इसको बेच नहीं पाओगे। क्या कंडीशन है, तो बोल रहा है द सप्लाई ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल H1 शैल बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड करोगे, बेचा है तो लिखो, जो फार्मासिस्ट है, दुकानदार है, वो लिखेगा इसको, भैया इस पेशेंट, ये प्रिस्क्रिप्शन आया था, इस डॉक्टर ने लिखा था, ये पेशेंट का नाम है, पूरा रिकॉर्ड करेगा इसको इन अ सेपरेट रजिस्टर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, गिविंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर, है ना, किसने लिखा है वो भी लिखेगा, द नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम भी लिखा जाएगा, द नेम ऑफ द ड्रग, ड्रग का नाम लिखा जाएगा, एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है। सच रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन फॉर द 3 ईयर एंड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, 3 साल के लिए इसको मेंटेन करना है और इंस्पेक्शन के लिए इसको खुला रखना है। अगर आपके पास DI आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तो आपको ये रिकॉर्ड खोल करके आपको दिखाना रहेगा, क्लियर है, वो इस रिकॉर्ड को पूछ सकते हैं कि लाओ दिखाओ इस रिकॉर्ड को, क्लियर है। तो ये था हमारे पास H1 जिसके अंदर खास करके एंटीबायोटिक को कंट्रोल किया गया है। नाउ ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर OTC, ओवर द काउंटर या होम रेमेडीज, OTC है ना, विक्स की गोलियां है, विक्स है, बाम है, मूव है, ये इस टाइप की चीजें, ओवर द काउंटर जो काउंटर पे ऐसी मौजूद है, ठीक है, आल्सो नोन एज OTC और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, इसको कभी डॉक्टर लिखते नहीं, हम लोग खुद ही ले लेते हैं, TV पे ऐड आ रहे हैं, सीधे समझ लो जिन दवाओं के ऐड TV पे आ रहे हैं वो सब OTC हैं, जिस किसी का भी ऐड, जिस दवा का ऐड TV पे आ रहा है वो सब क्या है, OTC है, क्योंकि किसी भी OTC के अलावा कोई और दवा का प्रचार करना इस तरीके से TV पर बैन है। डॉक्टर के पास तो जाना एक अलग बात है, हमारे लोग लेके जाते हैं, लेकिन इस तरह से TV प्रचार होता है वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, OTC, यानी कि इनके साइड इफेक्ट है ही नहीं,
ठीक है। ऑल दीज टर्म्स रेफर टू मेडिसिन डेट यू कैन बाय विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तुम इसको ले सकते हो। दे आर सेफ एंड इफेक्टिव वेन यू फॉलो द डायरेक्शन, ये सेफ है और इफेक्टिव है, काफी असरदार होती है जब आप फॉलो करते हो डायरेक्शन ऑन द लेबल। लेबल के ऊपर लिखा रहता है कि भैया इतने टाइम खा लो, ऐसे ऐसे लगा लो, असर कर जाएगी। और एज डायरेक्टेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या जो फार्मासिस्ट था उसने बताया भैया इसको ऐसे ऐसे खा लो ना, सही हो जाओगे, ठीक है, काम कर जाता है। एग्जाम्पल देख लें, एस्प्रिन का ऐड आता है, ठीक है, पैरासिटामोल का ऐड तो नहीं है बट ये साधारण हो गया अब। एनाल्जेसिक बाम है, जो बाम वाम लगाते हैं हम लोग, एंटा एसिड है, जो एसिड की दवाइयां है ना, जेलुसिल का ऐड आता है, इनो का ऐड आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है हमारे पास, एक तरह से ओटीसी दवाइयां हैं, इनको इनके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात क्लियर है, क्लियर है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट आता है, क्या बोर तो नहीं हो रहे? चलो एक काम करो, फटाफट मुंह धुल लो और क्या करना है, फ्रेश होके आओ, 2 मिनट का ब्रेक है, चलो जल्दी करो। चलो मुंह वगैरह धुल लिया, पानी में डाल ले मुंह पे। कोई बात नहीं, हो जाता है। और जो लोग फ्रेश हैं उनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया होगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फार्माकोथेरापेटिक क्या कह रहा है, फार्माकोथेरापेटिक इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो फार्माकोलॉजी जो हमने करी, ठीक है ना, फार्माकोलॉजिकल, जो फार्माकोलॉजी समझ रहे हो ना, उस इंफॉर्मेशन को, ड्रग की फार्माकोलॉजी की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज। हमारे बारे में जो डिजीज को लेकर जो इंफॉर्मेशन है, कौन करता है डिजीज, कैसे फैलाता है, बॉडी में अगर कैसे क्या कर देता है जिससे डिजीज हो जाती है, दवाई की इंफॉर्मेशन, डिजीज की इंफॉर्मेशन, इन दोनों को मिक्स करेंगे जिससे कि उसको हम डिजीज को रोक पाए, खत्म कर पाए, ठीक कर पाए। मिटिगेशन मतलब उसको खत्म कर देना, मिटा देना, मिटा दो बीमारी को, मिटा दो, ठीक है। अब इसमें इस हेडिंग के अंदर हमें कुछ बातें पढ़नी है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन और इरैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेड्यूल वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन आता वहां से, ठीक है, एक ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनल यूज, रैशनल मतलब तार्किक, रैशनल होता है तार्किक। आप कोई दवा, मान लो कोई दवा ले रहे हैं, हल्का बुखार आया, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने क्या करी, मेडिसिन दे दी, ठीक है, मान लो। और या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं, अच्छा ये है कि उठा करके डॉक्टर क्या करते हैं, लिख दिया ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, है ना, वो भी खा लो। आजकल देखा होगा कई जगह ट्रेंड सा है करके एक साथ 8-10 दवाइयां लिख दी जाती हैं, तो वो इरैशनल हो गया। तो रैशनल हो गया तार्किक, इरैशनल हो गया अतार्किक, लॉजिकल, लॉजिक वाली चीजें रैशनल, इलॉजिकल वाली इरैशनल। तो हमको दवाइयां कुछ ऐसे देनी है, मतलब सीधा सीधा मुद्दा यहां पर ये होने वाला है, दवाइयां कम से कम दी जाए, सस्ती हो दवाइयां, इफेक्टिव हो दवाइयां, ठीक है ना, ये सब चीजें देखते हुए जब पेशेंट को ठीक किया जाता है तो रैशनल हो जाता है। ये सब चीजें ना देखें और वैसी दवाइयां दे दें पेशेंट को तो वो इरैशनल हो जाता है। तो आओ देखते हैं जरा, WHO द्वारा 1985 में रैशनल की डेफिनेशन दी गई, रैशनल यूज की, वो क्या थी। तो कह रहा है व्हेन पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस, जब पेशेंट रिसीव करता है या दवाइयां लेता है, मेडिकेशंस appropriate टू their क्लिनिकल नीड्स, उसकी जो क्लिनिकल नीड्स है, उसको बीमारी है उसके हिसाब से, appropriate इन doses that meet their own individual requirement, और उसकी उसको जो खुद है, मान लो बच्चा है उसकी डोज अलग होगी, बूढ़े की डोज अलग होती है, उसके खुद के हिसाब से जो डोज हो वो appropriate हो। फॉर एन adequate पीरियड, adequate मतलब होता है पर्याप्त, एक पर्याप्त समय के लिए, है ना, नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है कम से कम 3 दिन तो खानी पड़ेगी, कोर्स रहता है, ठीक है। तो appropriate पीरियड या adequate पीरियड एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम। अब दो मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, जाओ सेम मेडिसिन, एक 100 रुपए की वही मेडिसिन, एक 50 रुपए की है ना, तो एट लोएस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी, और उसी कम्युनिटी के लिए। जब कोई पेशेंट दवाई ले रहा है appropriate क्लिनिकल नीड के हिसाब से, क्लिनिकल डोज के हिसाब से, पर्याप्त समय के लिए और लो प्राइस पर, तो ऐसे ही मेडिकेशन को, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को हमने क्या कहा गया है, रैशनल कह दिया है। क्या कह दिया है, रैशनल। इनसे चीजें अगर हटके होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, इरैशनल हो जाएंगी। तो आओ देखें जरा, इरैशनल और नॉन रैशनल यूज इज द यूज ऑफ मेडिसिन इन द वे दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रैशनल यूज, जो इसके हिसाब से नहीं होंगी वो सब की सब इरैशनल हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है इरैशनल यूज ऑफ मेडिसिन लीड्स टू ओके, कह रहा है
इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा, इन इफेक्टिव एंड अनसेफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमारा उतना असरदार नहीं रहेगा, मान लो है कुछ और दवाई किसी और चीज की चल रही है और ट्रीटमेंट हमारा अनसेफ हो जाएगा, डर है ना कुछ और बीमारी ना हो जाए कहीं, एग्जैसबरेशन प्रचंड, कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाना और लंबी हो जाएगी बीमारी, जो हमारी शायद थोड़ी सी थी और शायद 4-5 दिनों में 10 दिनों में ठीक हो सकती थी, अब वो बीमारी प्रचंड हो गई है, उसका तीव्रता बढ़ गई है, वो बीमारी और बढ़ गई एक तरह से और अब वो लंबी हो गई है, जो 10 दिन में ठीक होनी थी अब वो चल रही है महीने भर तक। हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। डिस्ट्रेस एंड हार्म टू द पेशेंट, है ना, पेशेंट क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और पेशेंट को नुकसान होगा। हायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अब जो 10 दिन में ठीक हो जाता है महीने भर जब इलाज चलेगा हॉस्पिटल पहुंच गया तो कॉस्ट भी उसकी बढ़ गई। तो समझ रहे होगा ये चीजें क्या है, ये इरेशनल, इरेशनल अगर दवाइयां दी जाती हैं तो पेशेंट के साथ ये सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर है, आओ आगे देखें हम लोग। नाउ अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है वाइड वैरायटी ऑफ इरेशनल ड्रग यूजेस डेट अराइज फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय डॉक्टर्स आर एज फॉलोज। इरेशनल ड्रग यूज तो पैदा होता है, क्यों पैदा हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस, जो डॉक्टर्स लोगों की आजकल प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस है ना, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोगों का लालच हो जाता है उसमें, ठीक है, उन लोगों का जो प्रिस्क्रिप्शन देने का तरीका है, आजकल देखा होगा एक दवाई तो मतलब 4-5 मल्टीविटामिन झोंक दे रहे हैं साथ में, है ना, मल्टीविटामिन दे ही देते हैं ज्यादातर लोग, जरूरत नहीं है दे दो मल्टीविटामिन, क्यों, वो मल्टीविटामिन की स्ट्रिप आती है 10 रुपए की मार्केट में, एमआरपी होती है 100 रुपए की, तो कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिस अपनाते हैं कि जरूरत नहीं है दे रहे हैं। तो इरेशनल का जो मेन कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन की वजह से जो डॉक्टर अपना रहे हैं वो क्या क्या है, क्या क्या होता है, आओ देखें। तो यूज ऑफ टू मैनी मेडिसिन, एक साथ कई दवाइयां चला दी, ये भी खा लो वो भी खा लो ये भी खा लो, प्रिस्क्राइब पर पेशेंट, है ना, तो इसे हम कहते हैं पॉलीफार्मेसी, याद रखना वर्ड को, किसी एक पेशेंट को एक बीमारी थी और कई सारी दवाइयां दे दी कि इससे नहीं तो इससे ठीक होगा, इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी। ऑफन दीज रिजल्ट इन क्रॉस रिएक्शन, इसकी वजह से अक्सर होता क्या है, क्रॉस रिएक्शन, दवाइयां आपस में रिएक्ट कर जाती हैं बिटवीन द डिफरेंट ड्रग्स प्रिस्क्राइब, जो ड्रग प्रिस्क्राइब किए गए उनके बीच में आपस में कई बार रिएक्शन हो जाता है। आगे आते हैं, इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, अगर एंटी माइक्रोबियल्स का इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन होता है, ऑफन इन इनएडिक्वेट डोज, ठीक है, क्या कह रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक बीमारी थी उसको दवाई कुछ और देनी चाहिए थी लेकिन दे कुछ और दिया, यानी कि एंटीबायोटिक कुछ और देनी चाहिए थी कुछ और दे दी है। ऑफन इन inadequate doses, दिन में 3 बार चलनी चाहिए थी या 2 बार चलनी चाहिए थी, डॉक्टर ने कहा कि नहीं एक ही बार खाओ। फॉर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई बार ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि वे की कह रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं भी है तब भी एंटी माइक्रोबियल दवा दी जा रही है, ठीक है, आगे आते हैं। ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंजेक्शन वेन ओरल फॉर्मुलेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, गोली खाकर ठीक हो सकते हैं, ये ज्यादातर गांव देहात में होता है, इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना, डॉक्टर्स क्या वहां पे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं होते, जो झोला छाप टाइप के लोग रहते हैं वो लोग क्या है कि गांव में एक मेंटेलिटी भी बन गई है लोगों के कि नहीं भैया इंजेक्शन लगा दो, ठीक है ना, जहां हम ओरल टैबलेट खा के काम चला सकते हैं वहां पे क्या है जबरदस्ती इंजेक्शन दिया जा रहा है। फेलियर टू प्रिस्क्राइब इन अकॉर्डिंग विद द क्लिनिकल गाइडलाइन, जो क्लिनिकल में गाइडलाइंस हैं कि इस मेडिसिन को ऐसे ऐसे दी जानी है, इसको ऐसे ऐसे दी जानी है, उसके हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। रॉन्ग चॉइस ऑफ ड्रग, ड्रग की चॉइस तुम्हारी सही नहीं थी, ठीक है, inadequate doses, doses जितनी होनी चाहिए थी पर्याप्त उतनी doses नहीं थी। incorrect frequency of administration of drug, incorrect frequency देनी चाहिए थी दिन में 3 बार, 2 बार दे दी, 1 बार दे दी, है ना। improper duration of therapy, चलनी चाहिए थी 10 दिन, जैसे कि typhoid एक normal बीमारी है, typhoid में क्या होता है normal 15 से 21 दिन दवा चलती है, ठीक है ना, तो वो time duration का गड़बड़ कर दिया। और failure to observe drug contraindication, दवाइयाँ खा रहा है और अचानक से कुछ दिक्कत और उसे स्टार्ट हो रही है, पेशेंट बता रहा है कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर समझ रहा है शायद किसी और वजह से हो रही होंगी लेकिन वो दवाइयों की वजह से स्टार्ट हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है इरेशनल की, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन करने की वजह से क्या क्या वाइड वैरायटी ऑफ इरेशनल ड्रग यूजेस, इरेशनल ड्रग यूजेस जो अराइज हो रहे हैं क्या है, अडॉप्टेड बाय द डॉक्टर्स एज फॉलोज, डॉक्टर्स की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। चॉइस ऑफ मोर एक्सपेंसिव ड्रग, है ना, महंगी दवाइयां दी जा रही हैं व्हेन लेस एक्सपेंसिव ड्रग वुड बी इक्वली और मोर इफेक्टिव, लेस एक्सपेंसिव ड्रग उतनी ही इफेक्टिव है, हो सकती है लेकिन तो उसके बावजूद महंगी दवाइयां दी प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, ये सब इरेशनल तरीके हो गए, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग विच हैव नो यूज, ऐसी ड्रग दी जा रही है जो इसका कोई यूज नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी मल्टीविटामिन का यूज नहीं है दे दिया गया साथ में, ठीक है,
ओनली फॉर देयर, क्यों दी जा रही है, प्लेसेबो इफेक्ट और फॉर इंप्रेसिंग द पेशेंट। कई बार क्या होता है, अच्छा हम ये दवा दे दे बड़ी बड़ी गोली, डॉक्टर पेशेंट को लग रहा है कि हम ठीक होंगे इससे, या फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड मतलब यहां पर आ गया अपना खुद का इंटरेस्ट है उसे, है ना, मैंने क्या बताया मल्टीविटामिन गोली या सिरप दिया जाएगा, आता सस्ता है होता महंगा है, या किसी कंपनी ने कह दिया भैया हमारे इतने निकाल दो ये तो हम आपको ये दे देंगे, तो खुद का इंटरेस्ट होता है कई बार इन प्रिस्क्राइब ड्रग। ठीक है, इनएडिक्वेट कंसल्टिंग टाइम। अब कई बार होता है क्या, डॉक्टर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो डॉक्टर बड़े आराम से बैठाते हैं, आराम से बात करेंगे, हर एक चीज बताते हैं, कुछ लोग हाँ हो गया ठीक है जाओ लिख दिया बाहर वाला, मतलब इनएडिक्वेट काउंसलिंग टाइम, कंसल्टिंग टाइम, कंसल्ट का टाइम प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, एंड डिस्पेंसिंग टाइम। ठीक है, अलॉन्ग विद पुअर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स टू पेशेंट इन अ वर्बल और रिटन फॉर्म। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां गया डॉक्टर ने कहा बाहर पूछ लेना, मेडिकल स्टोर पे गया, उसने कहा ऐसे 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 खा लेना। अब एक मान लो पढ़ा लिखा इंसान तो समझ जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा अनपढ़ है गांव का थोड़ा सा घबरा जाता है, चार पांच तरह की मेडिसिन देखता है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो समझ नहीं पाया कि कौन सी मेडिसिन कितनी बार लेनी थी, कुछ गड़बड़ कर गया। ठीक है ना, इनकरेक्ट यूज बाय पेशेंट। अब उसको पेशेंट क्या है, दो टाइम खाना चाहिए तीन टाइम खा रहा है, तीन टाइम वाली को दो टाइम खा रहा है, सुबह वाली को शाम में खा रहा है, इज ऑफ ग्रेट पब्लिक हेल्थ कंसर्न टू। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दवाइयों को प्रॉपर नहीं समझ पाता पेशेंट, कब कब कैसे कैसे लेनी है। क्लियर है बात। वर्ल्ड वाइड मोर देन 50% ऑफ ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड डिस्पेंस्ड और सोल्ड इन अप्रोप्रिएटली। पूरी दुनिया में लगभग 50% मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दी जाती हैं, बेची जाती हैं, जो कि सही नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, वाइल 50% ऑफ द पेशेंट फेल टू टेक देम करेक्टली, और 50% पेशेंट उसको सही तरीके से ले ही नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही है, कितनी बड़ी विडंबना है ये। इन अप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। ठीक है ना, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं आजकल, ये भी एक इरेशनल तरीका है। गए मेडिकल स्टोर पे, बोल दिया ये दे दो हमें, ले लिया दवा, जबकि उस दवा को हमें डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, तो हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके थे किस चीज के, इरेशनल यूज ऑफ ड्रग। अब इसका असर क्या होगा, जाहिर सी बात है असर इसका खतरनाक होगा। ठीक है, क्या असर होता है आओ देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट लीडिंग टू सीरियस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। मृत्यु दर बढ़ सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है, पता है किसी को मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्बिडिटी क्या होती है ना, तो क्या कह रहा है, इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट लीडिंग टू सीरियस मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब रोगों की संख्या बढ़ जाएगी, एक बीमारी थी कुछ और बीमारियां लग गई, और मॉर्टेलिटी मृत्यु दर बढ़ जाएगी, लोगों की मरने की संख्या बढ़ जाएगी। लेट्रोजेनिक डिजीज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेटर डिजीज क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ डिजीज इंड्यूस्ड बाय ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन और आफ्टर मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो थी नहीं, दवा खाने की वजह से हो गई, या सर्जरी होने के बाद हो गई, या हमारे पास कुछ सर्जिकल प्रोसेस या मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ हमारा, और उस ट्रीटमेंट के बाद हमको कोई बीमारी हो जाए, उसको कहते हैं लेट्रोजेनिक डिजीज। क्लियर है, आगे इन अप्रोप्रिएट यूज एंड ओवर यूज ऑफ मेडिसिन लीडिंग टू हाई आउट ऑफ पॉकेट। अगर सही तरीके से दवा नहीं लोगे या ओवर यूज करोगे तो हाई आउट ऑफ पॉकेट, जेब पे भारी पड़ता है ये, हाई आउट ऑफ पॉकेट। देखो सेंटेंस है, इंग्लिश का लिखना पड़ेगा, है ना, जो लोग हिंदी वाले वो लिख ले, जेब पे भारी पड़ता है ये। ठीक है, किसके जेब से भुगतान होता है, बाय पेशेंट। दिस रिजल्ट इन पेशेंट हार्म इन टर्म्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इम्पोवरिशमेंट। दो चीजें हुई, जेब पे भुगतान पड़ रहा है, ठीक है, प्लस कई सारी दवाइयां दी जा रही हैं, तो उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, साथ साथ में दरिद्रता ऑफ पेशेंट। दरिद्र मतलब सर बेचारे के ऊपर गरीब है, और दरिद्र आ जाएगी, खाने को पैसा नहीं मिलेगा, बीमारी में लग रहा है, उधारी कर रहा है ना, तो वो सब मिल करके एक वर्ड बनता है हिंदी का, क्या, दरिद्रता। ठीक है, तो ये चीज थी। आगे आते हैं, इन अप्रोप्रिएट यूज एंड ओवर यूज इन द पब्लिक सेक्टर फैसिलिटी। अब हो क्या रहा है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है हम लोगों को, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे हर एक स्टेट में है जो अपने सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर है क्या, इनअप्रोप्रिएट यूज हो रहा है। कैसे, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वहां पर जो फैसिलिटी है, वेयर द गवर्नमेंट पेज द बिल, जहां गवर्नमेंट बिल को पे करती है, लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मीगर रिसोर्सेज, जो संसाधन अल्पसंख्या है, अब उसका यूज क्या हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ इरेशनल, जो चीज कम थी उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए था, उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर दिया,
ठीक है, एंड शिफ्ट ऑफ फंड्स अवे फ्रॉम नेसेसरी, जहां फंड देना चाहिए था वहां ना देकर के अननेसेसरी एरिया में फंड खिसका दिया सारा, जो चीजें है ना जहां जरूरत थी वहां फंड आना चाहिए था, वो फंड कहीं और खिसक के चला गया। तो ये क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट आ रहा है कि भाई ये दवाइयां ज्यादा जरूरी थी लेकिन ये दवाइयां कम जरूरी थी, तो जो ज्यादा जरूरी है वहां ना जाकर कम जरूरी वाले पे खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीजें कई बार हो जाती हैं। इंक्रीजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब बेवजह और खुद से मेडिसिन खाओगे पूरा कोर्स नहीं करोगे तो बॉडी में क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दवाई खाने से भी दवाई असर नहीं करेगी। ओके, अब क्या कह रहा है इंक्रीज इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर कुछ बातें हैं, वो क्या कह रहा है, इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इज लीडिंग टू इंक्रीज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर हम एंटी माइक्रोबियल का यूज सही तरीके से नहीं करेंगे तो होगा ये कि हल्की हल्की छोटी मोटी मेडिसिन हमारी बॉडी पर असर करना खत्म हो जाएंगी, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ग्लोबली, पूरी दुनिया में आज के टाइम पे सबसे बड़ा ये समस्या है, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इसकी वजह से क्या हो गया, बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है, ऑब्वियसली बात है तुमको बीमारी हो गई और वो बैक्टीरिया दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट है, डॉक्टर क्या करते हैं शुरुआत में तो हल्की दवाइयां देते हैं, उससे ठीक ही नहीं हुआ, फिर गए डॉक्टर साहब आराम नहीं पड़ा, फिर डॉक्टर साहब ने कोई दूसरी दवा दी, फिर गए फिर आराम नहीं पड़ा, तो तुम लोग कहते हो डॉक्टर बढ़िया नहीं है। अब भाई वो तो अपने कोर्स के हिसाब से चलेगा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, तो बीमारी बढ़ रही है, बीमारी प्रोलॉन्ग हो जा रही है, इलनेस है ना लंबी हो जा रही है, एंड हॉस्पिटलाइजेशन कई बार फिर आखिरकार होता है कि बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है, मॉर्टेलिटी एंड हायर कॉस्ट, मृत्यु दर बढ़ जाती है और कॉस्ट भी फिर जाहिर सी बात है बढ़ जाती है हर एक चीज की, है ना, दवाइयों वगैरह की, बात समझ में आ रही है। आगे आते हैं, यूज ऑफ ड्रग अदर देन फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है ना, होता क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग हमको पता है ना क्या होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग की देखो डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है, अ ड्रग दैट इज द फर्स्ट चॉइस, ये पहले भी समझा चुके हैं फर्स्ट उसमें ईयर में, अ ड्रग दैट इज द फर्स्ट चॉइस फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर कंडीशन, कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए एक ड्रग सबसे अच्छी मानी जाती है उसको फर्स्ट लाइन ड्रग कहा जाता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन विद द लीस्ट लाइकलीहुड कॉजिंग अ साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट नहीं है और वो जल्दी उसे ठीक भी कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है ना। तुम लोग चाहो तो जब एग्जाम में लिखोगे तो ये जो इसकी डेफिनेशन है यहां से हटा देना, ठीक है, ये तुम लोगों के समझने के लिए है, बात समझ में आ गई। ओके, इन सच सिचुएशन अगर फर्स्ट लाइन ड्रग का इस्तेमाल नहीं करोगे कोई और दवा इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या, मे इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, समटाइम इज एज हाई एज 100-fold 100 गुना तो कॉस्ट बढ़ जाती है, क्यों, वो दवा इस्तेमाल की नहीं, बीमारी तुम्हारी बढ़ती जा रही इतनी बढ़ गई है कि अब जो ट्रीटमेंट चलेगा वो बहुत भारी पड़ने वाला है। मेक ट्रीटमेंट अनअफोर्डेबल, ट्रीटमेंट हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फॉर मैनी गवर्नमेंट हेल्थ, अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फॉर मैनी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब जैसे गलियों में और मोहल्लों में क्लिनिक खुले हुए छोटे मोटे, वहां पे दवाइयां पर्याप्त हैं अगर सही से ट्रीटमेंट हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब तो चीजें ठीक हो जाती है वहां पर, ठीक है ना, लेकिन वहां पे फिर कुछ हैवी दवाइयां नहीं होती हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री, और ये समस्या डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया अपनी कंट्री वहां ज्यादा समस्या है। इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अब ये क्या है जेब पे फिर भारी पड़ता है पेशेंट के। आगे आते हैं, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल, ओवर यूज, मिस यूज एंड इरेशनल यूज बाय डॉक्टर्स, सेल्फ मेडिकेशन बाय पेशेंट, पेशेंट खुद ही खा लेते हैं, और दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री में, एक्वाकल्चर में और एग्रीकल्चर में, है ना, दवाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है जो बैक्टीरिया वगैरह है वो रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे पास, ठीक है ना, क्लियर है। आगे आते हैं, अब इरेशनल से बचने के लिए WHO एडवोकेट 12 की इंटरवेंशन टू प्रमोट मोर रेशनल यूज, वो 12 पॉइंट्स की वकालत करता है WHO, या कहता है कि ये करना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्या क्या है वो 12 पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन मेडिसिन यूज, यानी कि ऑब्वियसली बात है किसी भी कंट्री में एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो मेडिसिन के यूज को लेकर पॉलिसी बनाए और उसी हिसाब से मेडिसिन का यूज होना चाहिए। यूज ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइन, क्लिनिकल गाइडलाइन का यूज होना चाहिए, जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को दवाई देता है तो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही दे। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जो इसेंशियल मेडिसिन है इसके बारे में अभी बात करेंगे, टॉपिक आएगा अगला, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट तैयार होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग एंड थेरेपेटिक कमिटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड हॉस्पिटल, ड्रग्स एंड थेरेपेटिक कमिटी, दवाइयां और वो कैसे ठीक करेंगी उसको लेकर के कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे होनी चाहिए, किस दवाइयों में क्या क्या रहता है कैसे वो ठीक करती हैं, ठीक है ना। इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग इन
अंडर ग्रेजुएट करिकुला, यानी कि अब ये कह रहा है कि हमारे कोर्सेज में जो तुम लोग अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, डी फार्मा बी फार्मा, उसमें प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को क्या हो उसकी नॉलेज हो अच्छे से, ठीक है। कंटिन्यूइंग इन सर्विस मेडिकल एजुकेशन, जो लोग सर्विस में उनकी भी लगातार मेडिकल एजुकेशन, जो कोई नई नई चीजें आती रहती है एडवांस, उनकी भी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। सुपरविजन ऑडिट फीडबैक, सुपरविजन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, दवाइयां कैसे कैसे दी गई हैं, किस किस केस में दी गई हैं, कौन कौन सी दवाइयां दी गई हैं, फीडबैक, पेशेंट का फीडबैक लेना चाहिए कि कैसा क्या रहा, दवाई खाने पर कोई इफेक्ट तो नहीं आए। यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, एक पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर के जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल हो। पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिसिन, पब्लिक को एजुकेट करना है कि भाई सेल्फ मेडिकेशन वगैरह ना करें। प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक विद इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, है ना, प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक मतलब दवाइयों का जो खरीद फरोख्त होती है और पूरी दवाइयां आना, स्टॉक मेंटेन करना, वो सब इसके अंदर आता है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इन्फोर्स्ड रेगुलेशन, सही एक ऐसा रेगुलेशन हो जो एप्रोप्रिएट हो और इन्फोर्स्ड हो, जो सख्ती से लागू हो। सफिशियंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ, गवर्नमेंट को इतना खर्चा होना चाहिए कि वो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी रखे और स्टाफ की अवेलेबिलिटी रखे अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, मन से ही बना के लिख सकते हैं, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स आती हैं जो जैसे क्लिनिकल गाइडलाइन हो गया, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हो गया, अभी ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अभी क्लियर है बातें? नाउ पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास, ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ठीक है। तो आखिरकार ड्रग की इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या है, आप और हम पढ़ रहे हैं, मैं आप तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ड्रग को लेकर अब हम बातें भी करेंगे इसी, क्या कहते हैं अपना जो फार्माकोलॉजी है, कि इंफॉर्मेशन कहां से आती है, तीन चार जगह से आती है, बात करेंगे, ठीक है। तो है ना, कहां कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, तो तीन तरीके से आती है इंफॉर्मेशन, जिसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कैटेगराइज करते हैं। तो ड्रग को लेकर के इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप लोग गेन कर सकते हो, कहाँ से आती है, और फिर उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट चलाते हैं, या जो डॉक्टर लोग होते हैं, हम लोग नहीं, डॉक्टर लोग, ठीक है ना। तो आप देखें जरा सोर्सेस की बात कर लें, क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मेडिकल इन्फॉर्मेशन एंड मेडिकल लिटरेचर अवेलेबल इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट, मेडिकल इन्फॉर्मेशन और मेडिकल लिटरेचर जो अवेलेबल है ना, मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो किताबें वगैरह आजकल हैं, या मेडिकल लिटरेचर है ना, जो किताबें लिटरेचर जो आते हैं पतले पतले किताब से आती हैं, वो बड़ी ही तेजी से बढ़ रही हैं, बड़ी ही तेजी से बढ़ रही हैं। मैनी रिसोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिसिन आर अवेलेबल विच इंक्लूड टेक्स्ट बुक, कई सारे सोर्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, टेक्स्ट बुक आ जाएंगी, मेडिकल जर्नल्स आ जाएंगे, तुम लोगों के कॉलेज वगैरह में जर्नल्स आते होंगे, रेफरेंस बुक आ जाएंगी, फार्माकोपिया वगैरह है तुम्हारी जो रेफरेंस बुक होती है, ड्रग कंपेंडिया होता है, ठीक है, नेशनल मेडिसिन लिस्ट होती है, ठीक है, इसेंशियल मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं, ड्रग फॉर्मुलरीज होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्रग बुलेटिन आते हैं, ठीक है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं, इंटरनेट, ठीक है, एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये सारे हमारे पास बेसिक क्या है, सोर्सेस हैं किसके, इंफॉर्मेशन के। आगे आते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड स्मार्टफोन, यानी ओवरऑल बात हो रही है जो डिजिटलाइजेशन का, जो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हैज ड्रास्टिकली चेंज द मेथड, ये जो टेक्नोलॉजी है, अब तुम्हें कुछ करना है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन निकाला मोबाइल, खट 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 पैरासिटामोल, अच्छा इसका ये खटाक से इन्फॉर्मेशन आ गई, इसने इतना जबरदस्त तरीके से जो हमारे तरीके है और टेक्नोलॉजी है ऑप्टेन करने का इन्फॉर्मेशन, उसको एकदम बदल के रख दिया है। इट इज देयरफॉर इसीलिए इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ईच सोर्स, अब इसीलिए जरूरी हो गया है कि हम इवैल्यूएट करें, जांच पड़ताल करके ही अच्छे से, हाँ कि ये वेबसाइट हमारी अच्छी है, ये सही इन्फॉर्मेशन देती है, ऐसा तो नहीं कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है करके, ठीक है, तब उस सोर्स के ऊपर हम लोग क्या करें, उस सोर्स को लेकर के हम लोग क्या करें, मतलब उसके भरोसा करें, और तभी उसको लेकर के आगे कोई हम लोग स्टेप उठाएं, ठीक है। तो जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब से इंटरनेट आ गया है तो सोर्स का भंडार लग गया है। क्लियर है? आगे आते हैं, सोर्सेस आर कंसिडर्ड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, सोर्स तीन तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिपेंडिंग ऑन ओरिजिनलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड देयर प्रॉक्सिमिटी, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे हमने तीन कैटेगरी, ये क्वेश्चन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस में, तो तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो डिपेंड करेगा ओरिजिनलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब बिल्कुल हम लोगों ने क्या किया था, मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल केस स्टडी किए गए, प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस, हम
टू द सोर्स इंफॉर्मेशन, जो सोर्स इंफॉर्मेशन के पास हम लोग कितने क्लोज में है या वो सोर्स इंफॉर्मेशन कितना क्लोज रही है, ठीक है, अपने किसके ओरिजिनलिटी के, तो उसके ऊपर बेस पे देखा जाए तो मोटा मोटा हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीन कैटेगरी में तोड़ा हुआ है। आओ देखें जरा, तो क्या होते हैं प्राइमरी सोर्स, उसकी बात कर ले हम लोग जरा। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड पब्लिश्ड मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है, इज अ क्वांटिटेटिव क्वांटिटी फॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजी होती है ना मतलब जो पूरा डिजीज और उसके कॉज और हर एक चीज को स्टडी करना, डिजाइन यूज सिस्टमेटिकली एसेस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू डेराइव कंक्लूजन अबाउट दैट बॉडी ऑफ रिसर्च। मतलब ओवरऑल बात यह है, मेटा एनालिसिस मतलब है रियल में जो एक तरह से तुमने जांच पड़ताल करी दवाई और डिजीज को लेकर के, दैट इज कॉल्ड मेटा एनालिसिस। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जो तुमने ट्रायल्स किए ड्रग्स को लेकर के, ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स, अब तुमने जो ऑब्जर्व किया ड्रग का क्या इफेक्ट आया, पेपर्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड केस स्टडीज जो रियल की बिल्कुल बाकायदा तुम लोगों ने पेशेंट के ऊपर करी है, पब्लिश्ड इन जर्नल आर्टिकल, और उसको फिर पब्लिश कर देते हो किसमें, जर्नल आर्टिकल में। ये बिल्कुल जो ये डाटा जो है प्राइमरी सोर्स का, ये बिल्कुल क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्या होता है, ओरिजिनल, है ना, बिल्कुल एकदम फ्रेश कि जो किया है वही चीज है, उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन के लिए था कि मेटा एनालिसिस क्या होती है, इस पार्ट को चाहो तो यहां से लेकर यहां तक हटा सकते हो। आगे आते हैं सेकेंडरी सोर्स। वंस पब्लिश्ड, जब एक बार पब्लिश कर दिया तुमने जर्नल या आर्टिकल मैगजीन में डाल दिया, द इंफॉर्मेशन मे बी कमेंटेड और अदर रिसर्चर्स और ऑन, सॉरी, वंस पब्लिश द इंफॉर्मेशन मे बी कमेंटेड ऑन, उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, कोई रिसर्चर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, इसको ऐसे 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 ऐसा होना चाहिए, और बाय प्रोफेशनली इंडेक्स्ड इन डाटाबेस दैट कंप्राइजेस सेकेंडरी सोर्सेज, फॉर एग्जांपल रिव्यू आर्टिकल, या सीधी सी बात है जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो क्या करेंगे, उसको रिव्यू लिखेंगे, नहीं यहां पर ऐसा ऐसा था, ये ऐसा ऐसा था, कुछ उसके ऊपर रिव्यू डाल रहे हैं, उसके ऊपर उसको लेकर के कुछ रिव्यू दे रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो वो जो हो जाएगा, जो छपने के बाद उसके ऊपर जो सेकेंडरी थॉट्स आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सोर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। अब रिव्यू आ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बुक बना करके मार्केट में ले आएंगे, वही हमारे पास क्या हो जाता है, टर्शियरी सोर्स। व्हेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इज समराइज्ड इनटू टेक्स्ट बुक, अब वो टेक्स्ट बुक में आ गई है, और फुल टेक्स्ट डाटाबेस और रेफरेंस बुक में डाल दें उसे फॉर्मेट में, ड्रग रेफरेंस बुक, ड्रग कॉम्पेडिया एक्सेट्रा, यानी कि हम लोग उसको कुछ ही बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक बना दिया, ठीक है, उसको हम लोग रेफरेंस बुक भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग ड्रग रेफरेंस बुक भी कह सकते हैं, उसको हम ड्रग कंपेंडिया भी कह सकते हैं, अलग अलग बुक्स आती है ना, तो उनके अलग अलग नाम है और कुछ नहीं है। अब इसको जब ये बुक, या सीधी बात है, जब ये बुक के फॉर्मेट में आ गई, तो ये है ना, यानी ऊपर की दोनों प्रोसेस हो चुकी होंगी, अब ये बुक के फॉर्मेट में डाल दिया गया है, ये कहलाता है हमारे पास क्या, टर्शियरी सोर्स। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, टीचर्स लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, वो कहां पर, वो कैसी होती है, टर्शियरी सोर्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो, है ना। हाँ, कई बार जाना पड़ता है, कई बार कुछ बुक्स होते हैं जहां पे कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हम लोगों को डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ ओरिजिनल आर्टिकल में, जर्नल से जाना पड़ता है, मिलते हैं, ठीक है ना, वो ओरिजिनल डाटा देखना पड़ता है, कई बार, हर बार नहीं, बुक्स वैसे काफी रिलायबल होती है, जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो रिलायबल हैं, भरोसा कर सकते हैं उनके ऊपर। नाउ टर्शियरी सोर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस्टैब्लिश्ड ड्रग, जो ड्रग एस्टैब्लिश हो चुके हैं उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी, एज वेल एज न्यूअर ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, नए ड्रग्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता रहता है और ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में भी उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो क्या कह रहा है, जनरली द बेस्ट मेथड टू फाइंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, अगर आपको ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, स्टेप वाइज अप्रोच, मूविंग फर्स्ट थ्रू टर्शरी, सबसे पहले टर्शरी पे जाओगे, उल्टा चलना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी पे और फिर प्राइमरी पे, ये होता है तरीका। जब आपको एकदम डाटा रिलायबल, ऑब्वियसली बात है हमारे पास, हमारी पहुंच में सबसे पहले क्या है, टर्शरी है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स होता है ना लिटरेचर, उसको आपको पूरा पढ़ के समझना थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है, अब क्या कह रहा है, मोर ओवर डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, हम लोग एक सिंगल टुकड़े पे या सिंगल एक चीज देख ली उसके ऊपर हम लोग अपने क्या कहते हैं डिसीजन नहीं ले सकते, बट रेदर ऑन कंपाइलेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल एविडेंस, हमको सारे सबूत इकट्ठे करने, सारी जांचें देखनी है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपनी क्या लेते हैं, जो डिसीजन जो है वो लेते हैं हम लोग अपना। क्लियर है, यह दवाइयों के बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 10, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, समझो जरा इसे, बहुत जरूरी है ये पॉइंट भी समझना जरूरी है, ठीक है, और वैसे भी समझना जरूरी है।
जरूरी दवाइयाँ, ठीक है ना? तुम लोगों ने देखा होगा कुछ लिस्ट आती रहती है, थोड़ा शायद ना पता हो इसके बारे में, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, ठीक है? इसेंशियल मतलब हो गया जरूरी, इसेंशियल मतलब क्या हो गया जरूरी। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ये वो दवाइयां हैं जो प्राइम, जो बेसिक बीमारियों के लिए दवाइयां होती है ना, ये वो दवाइयां होती हैं जो बेसिक बीमारियों के लिए दवाइयां रहती हैं जनरली, इसके अंदर वो सारी दवाइयां आ जाती हैं। दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज प्रीवलेंस, कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा फैली हुई है उसके हिसाब से। एविडेंस ऑन एफिकेसी, दवाई सेफ तो है, इफेक्टिव तो है, सेफ्टी दवाई सेफ तो है, एंड कंपेरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव सस्ती तो है, ये चार चीजें दवाई के अंदर देखेंगे, ठीक है? और उस हिसाब से हम उसको इसेंशियल लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। इसेंशियल मेडिसिन आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल इन फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम एट ऑल टाइम। जितने भी फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम है अपने, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट वाले, वहां पर ये हर समय रहनी चाहिए, पर्याप्त अमाउंट में होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए। डोजेस फॉर्म है ना, जैसे कि अपना लिक्विड या सॉलिड या टैबलेट फॉर्म में होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म होनी चाहिए, विद एश्योर्ड क्वालिटी, क्वालिटी उसकी एकदम फिट होनी चाहिए, एंड एट ए प्राइस द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैन अफोर्ड, और उस प्राइस पे होनी चाहिए, एक इंसान उसे, गरीब या एक एवरेज इंसान उसे ले सके। क्लियर है? तो ये सारे क्राइटेरिया आ रहे हैं, एसेंशियल मेडिसिन क्या थी, क्या क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, विच मेडिसिन आर रिगार्डेड एज एसेंशियल रिमेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कौन सी मेडिसिन को हम रिगार्ड करेंगे, देंगे इसेंशियल मेडिसिन का दर्जा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स की विद इन अ नेशनल फ्रेमवर्क। स्टेट्स मतलब एक तरह संस्था होगी हमारी, ठीक है ना, एक कंट्री के अंदर जो स्टेट्स मतलब क्या लोग कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर जो अथॉरिटी होंगी उनके ऊपर रहती सारी बातें। इसेंशियल ड्रग्स आर नाइदर टू बी अंडरस्टूड एज अ ओनली कंसिस्टिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग, इसको हमें ये नहीं समझ लेना कि जो जान बचाती है वही ड्रग इसेंशियल है, ना ऐसा नहीं है। नॉर एज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, ना हमको ये समझ लेना इससे कि जो बहुत ही रेयर डिजीज में दवाइयाँ काम आती हैं वो होती है, ना ऐसा नहीं है। क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग इंक्लूड ऑल द ड्रग नीडेड फॉर मोस्ट, वो सारी ड्रग जो जरूरत होती है मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड डिजीज, जो बहुत ही कॉमन डिजीज से आए दिन हमारा सामना होता रहता है, उनको ठीक करने वाली दवाई, इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग कंडीशन, और कुछ लाइफ सेविंग कंडीशन वाली भी होती हैं, वो दवाइयाँ भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब एक बात कर लेते हैं, एक जिक्र यहां पर आता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, आखिर ये क्या है करके, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर की तो बात चल रही है, जो बेसिक, जो हमारे पास जो बेसिक बीमारियां हैं, इसको लेकर के 16 से 12 सितंबर 1978 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्माटा कजाकिस्तान में, ठीक है ना? उसने उस कॉन्फ्रेंस, जो अल्माटा कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या था, उसने एक्सप्रेस किया द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन। उसने कहा उस कॉन्फ्रेंस में, बहुत जरूरी है ये बाय ऑल गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर, जितने भी वर्कर हैं, एंड वर्ल्ड कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं और वर्ल्ड की कम्युनिटी, उन सबसे एक एक्सप्रेशन, मतलब एक तरह का उनको आदेश दिए गए हैं, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बचाएं और प्रमोट करें हेल्थ, सबकी हेल्थ को बचाना और उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, दुनिया के जितने भी लोग हैं सबकी हेल्थ के लिए, ठीक है ना? इसके अंदर लगभग जो अल्मा आटा था, इसको डालोगे अगर अल्मा आटा करके, तो इसके अंदर करीब करीब 10 पॉइंट है ना, जो हेल्थ को रिगार्डिंग में दिए गए हैं। इसी के अंदर एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए यहां पर इसका एक जिक्र आया हुआ है। क्लियर है? आगे आते हैं। नाउ इंपैक्ट ऑफ, क्या कह रहा है ये, इम्पैक्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन का इम्पैक्ट क्या रहेंगे, अ लिमिटेड रेंज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड इसेंशियल मेडिसिन लीड्स टू, है ना, क्या क्या इम्पैक्ट है, बेटर हेल्थ केयर, भाई छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमें भटकना नहीं पड़ रहा है ना, ये नहीं है कि छोटी मोटी बीमारियां उसके लिए बहुत महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ रही हैं, बेटर ड्रग मैनेजमेंट, ड्रग का मैनेजमेंट काफी बेटर हो जाता है, एंड हेल्थ आउटकम, एक हेल्थ अच्छी रहती है, छोटी मोटी बीमारियां उसकी दवाइयां मिल जा रही हैं, इजिली फ्री में मिल जा रही है, बहुत बेटर है ये। इंक्लूडिंग हेल्थ आउटकम के अंदर क्या क्या आएगा, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, छोड़ देना चाहो तो इस लाइन को यहां पर, ठीक है ना, बेटर ड्रग मैनेजमेंट एंड हेल्थ आउटकम, कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, जो हेल्थ रिसोर्सेज है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, सस्ती में चीजें हो जाती है ना। तो ये जो इंपैक्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि इसेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट तैयार है हमारे पास, वो मेडिसिन अवेलेबल होनी ही चाहिए। क्लियर है? Now, the WHO model
लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, WHO ने एक मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तैयार कर रखी है, मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उसके अंदर कुछ दवाइयां डाल रखी हैं। ये एक ऐसी लिस्ट है जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्रिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विच सर्व एज द गाइड। ये लिस्ट एक गाइड, एक तरह का कह लो कि रेफरेंस है, इसको देख करके और गवर्नमेंट अपना काम करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ठीक है ना, नेशनल किसी कंट्री के लिए और इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई संस्था, कोई हॉस्पिटल है, वो लोग इस गाइडलाइन को, इस लिस्ट को देख करके अपनी लिस्ट को तैयार करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर लेते हैं अपने लोकेलिटी और एरिया के हिसाब से। क्लियर है? इट इज अपडेटेड एंड रिवाइज एवरी टू ईयर। ये जो लिस्ट है हर दो साल में रिवाइज होती है बाय द WHO एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो कमेटी है वो हर दो साल में इसको रिवाइज करती है। पहली बार ये पब्लिश की गई थी 1977 में। सिंस 207 अ सेपरेट लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर, ठीक है ना, इज बींग ब्रॉट आउट। 2007 में एक बच्चों के लिए एक अलग से लिस्ट निकाल दी गई। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? नाउ इनिशियली बात करें 1977 में WHO EML जो लिस्ट थी उसके अंदर 204 मॉलिक्यूल थे, 204 ही केमिकल थे, एंड द करंट इज द 20th लिस्ट 2017 में जो आई है विच हैज 433 मेडिसिन। जो 2017 में आई है 20th लिस्ट आई है उसके अंदर 433 मेडिसिन इंक्लूड कर ली गई है एसेंशियल मेडिसिन के अंदर, इंक्लूडिंग 25 फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन। इसके अंदर 25 ऐसी हैं जो ड्रग डोज की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि है ना हम लोग दो दवाइयों का मिक्सचर होता है उसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया प्रोड्यूस्ड इट्स नेशनल एसेंशियल ड्रग लिस्ट इन 1996, उसने 1996 में अपना बना लिया था, एंड हैज रिवाइज्ड इट इन 2011 एंड नाउ इन 2015 विद द टाइटल नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है ना, द लेटेस्ट लिस्ट इंक्लूड 376 मेडिसिन ऑफ विच 20 आर FDC। ठीक है ना, 376, इसके अंदर 20 कैसी हैं FDC हैं, फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन हैं। तो ये इंडिया की बात हो गई, क्लियर बातें हैं। तो एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है ना, आगे आते हैं। अब द WHO हैज लेड डाउन द क्राइटेरिया टू गाइड सिलेक्शन ऑफ एन एसेंशियल मेडिसिन। उसने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी मेडिसिन एसेंशियल मानी जाएंगी। क्लियर है, आगे आते हैं। तो क्या कह रहा है, ओनली दोज मेडिसिन शुड बी सिलेक्टेड फॉर विच एडिक्वेट डाटा ऑन एफिकेसी। हमको केवल वही मेडिसिन चूज करनी है जिसके जिस दवाई का हमारे पास डाटा हो कि वो इफेक्टिव है एंड सेफ, सेफ्टी है उसकी, और अवेलेबल फ्रॉम क्लिनिकल स्टडीज, और वो क्लिनिकल स्टडीज से आई हुई है, एंड फॉर विच एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी सुटेबिलिटी सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हैज बीन ऑब्टेन्ड, और उसके सबूत हों हमारे पास, उसकी परफॉर्मेंस के सबूत हों, वो दवाई की परफॉर्मेंस किस बेस पे, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके इफेक्टिव में कितनी असरदार है, कितनी सुटेबल है, कितनी सेफ है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महंगी तो नहीं है, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि उसको डालना है एसेंशियल मेडिसिन में या नहीं डालना है। ईच सिलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी अवेलेबल इन अ फॉर्म इन विच एडिक्वेट क्वालिटी इंक्लूडिंग, ठीक है ना, यहां पर क्या है, ईच सिलेक्टेड मेडिसिन मस्ट बी अवेलेबल, जो सिलेक्टेड मेडिसिन है वो अवेलेबल होनी चाहिए एडिक्वेट क्वालिटी, एक पर्याप्त अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके अंदर उसकी बायो अवेलेबिलिटी काउंट की जाती है, एश्योर्ड होनी चाहिए, है ना। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है कि कोई मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर के, जैसे हमने खाई 100 ग्राम और वो केवल 70 ग्राम ही हमारी बॉडी में जाकर के असर करती है, बाकी 30 ग्राम हमारी बॉडी द्वारा तोड़ ताड़ के खत्म कर दी जाती है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी रही, केवल 70% रही। पढ़ेंगे ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं मतलब आने वाले लेक्चर्स में। इट्स स्टेबिलिटी अंडर द स्टोरेज कंडीशन, उसको हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भाई दवाई है, जैसे मान लो इंडिया की बात कर लें, कहीं गर्मी बहुत है, कहीं सर्दी बहुत है ना, कहीं बारिश बहुत है, तो वो स्टेबल तो है स्टोरेज कंडीशन में, एंड यूज मस्ट बी स्टेब्लिश, और उन कंडीशन में जो उसका यूज किया जाएगा वो ओके तो है, गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, वेन टू और मोर मेडिसिन अपियर टू बी सिमिलर, जब एक या एक से ज्यादा मेडिसिन एक जैसी दिखाई पड़ती हैं इन द अबव रेस्पेक्ट, जो ऊपर के केस हमने देखे उसकी एफिकेसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कई सारी जो कंडीशंस हैं उनमें, अगर एक से ज्यादा दवाइयां एक मतलब सेम बीमारी के लिए एक से ज्यादा दवाइयां अवेलेबल हैं और ये सारी कंडीशन जब देखी जाती हैं, द चॉइस बिटवीन देम शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ देयर रिलेटिव एफिकेसी सेफ्टी क्वालिटी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। फिर हम उस केस में क्या होता है,
कि हम लोग क्या चीजें चेक करते हैं कि किन बेस के आधार पे हम लोग उसको दोनों में से कौन सी दवा चूज करें कि इसको हम इसेंशियल लिस्ट में डालेंगे, तो उसकी एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अवेलेबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि इफेक्टिव तो है पर दवाई अवेलेबल नहीं हो पा रही है, कम मात्रा में बन पा रही है, उसका रॉ मटेरियल मौजूद ना हो। ठीक है, इन कॉस्ट कंपैरिजन बिटवीन मेडिसिन नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ द टोटल ट्रीटमेंट बट ऑल्सो द यूनिट कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन। टोटल ट्रीटमेंट का कॉस्ट नहीं देखा जाएगा किसी बीमारी के लिए, वो एक सिंगल मेडिसिन का कॉस्ट भी देखी जाती है कि वो तो नहीं बहुत महंगी पड़ रही है। मस्ट बी कंसिडर्ड इन केस वेयर ड्रग्स आर नॉट सिमिलर, जहां पर ड्रग्स सिमिलर नहीं है, द सिलेक्शन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। अगर ड्रग्स सेम नहीं है तो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी, कॉस्ट को भी देख करके उसे जज कर लेते हैं। इन सम केसेज द चॉइस में ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर फैक्टर सच एज, कई बार यहाँ पर जो हमारी चॉइस होती है कुछ और फैक्टर के द्वारा भी प्रभावित होती है लिस्ट में डालने के लिए, जैसे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज और बाय लोकल कंसिडरेशन सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी फॉर स्टोरेज और मैन्युफैक्चर। यानी कि एक तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी हो गई, या फिर मान लो कोई दवाई है, गांव देहात है, लाइट आती नहीं है और आपने कोई मेडिसिन ऐसी मंगवा ली है जिसको क्या करना है, फ्रिज की जरूरत है, 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, गांव देहात में लाइट आ नहीं रही है, तो हमको ये स्टोरेज कंडीशन, ठीक है ना, या मैन्युफैक्चर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है, रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें देख के भी हम लोगों को डिसाइड करना होता है। मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी फॉर्मुलेटेड एज ए सिंगल कंपाउंड, ज़्यादातर उसको सिंगल कंपाउंड ही बनाते हैं। फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द डोजेज ऑफ ईच इंग्रेडिएंट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफाइंड पॉपुलेशन एंड व्हेन द कॉम्बिनेशन हैज अ प्रूवन एडवांटेज ओवर ए सिंगल कंपाउंड। यानी सीधी सी बात है, कोशिश यही है कि सिंगल, एक मेडिसिन के अंदर सिंगल केमिकल हो। अगर हमें एक मेडिसिन के अंदर एक से ज़्यादा केमिकल रखने हैं तो वहाँ पर हमें ये पक्का श्योर होना चाहिए कि उस कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, उस कॉम्बिनेशन यानी कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हैज अ प्रूवन एडवांटेज, उस कॉम्बिनेशन का एडवांटेज हो सिंगल कंपाउंड पे, यानी कि वो पक्के से अच्छी हो। सिंगल दवा लेने के बजाय जब कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उसका असर ज्यादा हो, प्लस उस पॉपुलेशन के ऊपर उसका असर काफी अच्छा होना चाहिए। क्लियर है, आगे आते हैं। ड्रग्स आर स्पेसिफाइड बाय द इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ड्रग को स्पेसिफाई किया जाएगा, हम पढ़ चुके हैं ना जिसका इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, जैसे कि पैरासिटामोल है, और जेनरिक नेम विदाउट रेफरेंस टू ब्रांड नेम और स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर। यानी कि उस लिस्ट में हम लोग उसके जेनरिक नाम को डालेंगे, ब्रांड नेम को नहीं डालेंगे, जैसे पैरासिटामोल लिखेंगे, कालपोल या डोलो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, जो लिस्ट तैयार करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या था, हमारे पास कुछ बातें थी जनरल समझने के लिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुछ 7-8 पॉइंट जो हैं, 7-8 चीजें हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और कुछ चीजें यहां पर क्या है समझने के पर्पज से हैं। तो जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चंस की भी तैयारी कराऊंगा, एमसीक्यू की भी तैयारी कराऊंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बस उसी की थोड़ी तैयारी चल रही है, ठीक है, इसको पढ़ें अच्छे से, बस 1-2 दिन के अंदर ही तुम्हारे पास क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू और क्वेश्चंस की भी एक लिस्ट आने वाली है, ठीक है, प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट हो जाएगी और पढ़ाई फिर बम्पर होने वाली है, ठीक है ना। तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। क्लियर है, पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, गुड, ऑल द बेस्ट।